गुड मॉर्निंग बच्चों, यह नमक का दरोगा पाठ का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, उसमें आपने देखा सुना कि वंशीधर ने रात के अंधेरे में जब पुल के ऊपर से कुछ गाड़ियां जाती हुई देखी, उन्हें रोका, पूछताछ की। पूछने पर पता चला कि उन गाड़ियों पर नमक लदा हुआ है और वह गाड़ियां पंडित अलोपी दीन की हैं। चूंकि उस समय नमक के व्यापार पर प्रतिबंध था, इसलिए वंशीधर को यह समझते देर न लगी यह नमक चोरी छिपे ले जाया जा रहा है। उन पंडित अलोपी दीन को बुलवाया गया। पंडित अलोपी दीन को अपने पैसे की ताकत पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगा दरोगा ने गाड़ियां रोक ली हैं तो क्या हुआ, पैसा ले देकर मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 40,000 रुपये तक का प्रस्ताव पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर के सामने रखा। क्योंकि वंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, कर्तव्य को महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने पंडित अलोपी दीन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। आशा यह है कि रातों रात यह खबर चारों तरफ फैल गई कि पंडित अलोपी दीन को हिरासत में ले लिया गया है। बच्चे बूढ़े जिसे देखो वही पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, उनकी निंदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि संसार में अब वही एक पापी रह गए हैं। सारे भ्रष्ट लोग भी उनकी निंदा कर रहे थे। पानी को दूध में के नाम पर बेचने वाला ग्वाला भी, फर्जी रोज नामचा भरने वाला अधिकारी वर्ग, रोज नामचा कहते हैं डायरी को, बिना टिकट रेल की यात्रा करने वाले बाबू लोग भी, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, सभी देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे और पंडित अलोपी दीन को भला बुरा कह रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रह गया। क्योंकि पंडित अलोपी दीन उस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति थे, उनका बहुत सम्मान था उस क्षेत्र में। जब वे अदालत उन्हें ले जाया जा रहा था, शर्म से वो गर्दन झुकाए अदालत की तरफ जा रहे थे। सारे शहर में हलचल मच गई थी, खलबली मच गई थी। मेलों में भी इतनी भीड़ नहीं होती होगी जितना कि उस समय पंडित अलोपी दीन को देखने के लिए वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके अमले, उनके सेवक, वकील मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अदालत भर पहुंचने की देर थी। वहां पर जो भी थे, सभी लोग पंडित अलोपी दीन के पैसों के गुलाम थे, उनके पैसों से बिके हुए थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने यह कर्म कि क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन हो और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि पंडित अलोपी दीन के पास इतना पैसा है, बात करने की कला है। वह अपने पैसे के बल पर हमेशा कानून के पंजे में आने से बच जाते थे, फिर वह कानून के पंजे में आज कैसे फंस गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध में युद्ध ठन गया। धर्म अर्थात वंशीधर, धन पंडित अलोपी दीन। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। हर व्यक्ति अदालत में जितने भी लोग थे, वह सभी पंडित अलोपी दीन के प्रति ही सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। मुकदमा शुरू हो गया। एक तरफ धर्म था तो दूसरी तरफ धन। वंशीधर
चुपचाप खड़े थे। वहां की क्रिया प्रतिक्रिया देख करके उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर निष्पक्ष फैसला हो, यह कोई ऐसी कोई संभावना उन्हें नजर नहीं आ रही थी। उनके पास अगर कुछ था तो केवल उनकी सच्चाई थी, स्पष्ट भाषण था। कुछ गवाह जरूर थे, लेकिन वंशीधर को यह डर था कि पैसे के लोभ में आकर कहीं यह गवाह भी अपनी बात से मुकर न जाएं। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। कहने को यह न्याय का दरबार था, लेकिन वहां के लोगों का पक्षपातपूर्ण रवैया देख करके वंशीधर को निष्पक्ष न्याय की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही थी। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर वंशीधर को लग रहा था। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने जब फैसला लिखा तो फैसले में लिखा गया कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध जितने भी प्रमाण दिए गए हैं सभी आधारहीन हैं, भ्रमात्मक हैं। वह बहुत बड़े आदमी हैं और थोड़े से लाभ के लिए वह ऐसा काम नहीं कर सकते। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, अदालत की तरफ से मुंशीधर को सराहा भी गया। कहा गया कि यह अच्छी बात है कि वह अपने काम के प्रति सजग हैं, सचेत हैं, लेकिन अपनी नमक हलाली के कारण उन्होंने बिना सोचे समझे एक भले मानुष को हिरासत में लिया, जिसके कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भविष्य में वंशीधर को यह चेतावनी दी जाती है कि आगे से उन्हें होशियार रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटवाक, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। अदालत द्वारा पंडित अलोपी दीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत के बाहर जब वो निकलते हैं तो स्वजन जो उनके अपने थे सभी ने पैसों की लूट की, रुपयों की बांट की। यह सब देखकर वंशीधर को बहुत दुख हुआ। चूंकि वंशीधर के ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा हो रही थी, उन्हें कटवाक बोले जा रहे थे, आज उन्हें एक विचित्र और दुख भरा अनुभव हुआ कि अभी तक जो चीजें उनके लिए श्रद्धा की पात्र थीं, सम्मान जनित थे, न्याय और विद्वता, अब वो सब बेमानी हो गए, सब निरर्थक हो गए। आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। इसका नतीजा यह हुआ कि वंशीधर को सस्पेंड कर दिया गया। कर्तव्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय यानी टूटे हृदय, शोक और खेत से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई की तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस
वही सूखी तनख्वाह, हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खैर ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। जब वंशीधर के मुअत्तली का समाचार उनके घर वालों को मिला तो उनके पिताजी बहुत नाराज हुए, भला बुरा कहने लगे। जब वह घर पहुंचे तो पिताजी उनको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, बहुत भला बुरा कहे। माताजी भी बहुत दुखित हुई, क्योंकि माताजी ने स्वप्न देखा था कि वे जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं करेंगी, क्योंकि उनकी बेटी की नौकरी लग गई है। लेकिन अब नौकरी चले जाने पर उनकी माँ की सारी कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी थी तो उसने कई दिनों तक उनसे सीधे मुंह बात न की। कहने का आशय यह है कि वंशीधर की कर्तव्यपरायणता का दंड यह मिला कि एक तरफ तो उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया, मुअत्तल कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया उनका, और दूसरी तरफ घर वाले भी उनसे नाराज हो गए। शेष अगले वीडियो में।